भूत भूत मम्मा भूत देख मम्मा देख भूत देख मम्मा भूत देख मम्मा भूत मम्मा बंदर कैसा लग रही भूत से मम्मा बंदर भूत है अरे भूत है मम्मा बंदर भूत वाटर गन नहीं है गन तेरा का है तेरा गन फेंक दिया मैंने फेंक दिया तेरा गन फेंक दिया ओए फेंक दिया तेरा गन वेयर इज योर गन मैंने छुपाया डैडी ने छुपाया तो डैडी को पूछो कहा तेरा गन कहा गया फेंक दिया तेरा गन मैंने फेंक दिया गन फेंक दिया फेंक दिया लगा घड़ी लगी घड़ी लगी कहा है तेरा गन कहा है पूछो डैडी को कहा तेरा गन फेंक दिया मैंने इरिन की गन कहा है फेंक दिया इधर फेंके ले किधर फेंका इधर है इधर इधर नहीं है इधर देखो नहीं है इधर पूछो डैडी को गन अरे देख फेंका है डैडी को पूछो कहा नहीं है इधर उधर नहीं डैडी को पूछो मम्मा उधर फेंक रहा डैडी डैडी को पूछो गन कहा है डैडी का गेकर उधर वहां पे गए वहां पे नहीं है डैडी ने कहा अरे वहां पे गए का कहा है तेरी गन इसमें गन तो नहीं है गन नहीं है इसमें तेरी मम्मा ये कर दे ये चाहिए इसमें क्या है बच्चे ये बच्चे हैं ये बड़ा पैसा है बड़ा पैसा है ये पैसे से क्या लोगे ओ वाओ बिग पैसा बड़ा पैसा अंदर कुछ नहीं है ये ऐसा ओपन हो ड्राइंग निकालना वेरी गुड अभी ड्राइंग मम्मा बंदर कैसा लग रही भूत से मम्मा बंदर भूत है बंदर भूत अरे वो तो मम्मा बंदर भूत क्या बोल रहा चलाएगा कान में डाल दिया तो खत्म मैं बोल रहा था तू चलाएगा मैं गाड़ी भी चलाऊंगा अरे तो ब्लॉक कैसे करूँ अबे ब्लॉक क्या करना है मैं पीछे पकड़ूंगा ले 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 अभी तक हम लोग का कुछ डिसाइड नहीं है अभी तो दिख ही नहीं रहा अभी तक तो अपना कुछ डिसाइड वैसे भी नहीं हुआ है तो हम लोग को जब कुछ डिसाइड नहीं होता है तो एक ही जगह दिखती है लजीज तो लजीज जाएंगे या तो फिर जोगेश्वरी में कुछ अच्छी जगह पे वैसे अभी जस्ट एक दिन पहले मैं जोगेश्वरी जाके आया हूँ पर वो ब्रिज के वो साइड गया था ईस्ट में ईस्ट में नहीं मतलब ब्रिज पड़ता ना बीच में बड़ा सा हाईवे वाला हाँ वो ब्रिज है ना वो पड़ता है ना ब्रिज के ये साइड और ब्रिज के ये साइड अच्छा ये साइड वाला लजीज है हाँ तो वो साइड में गया
मेरी वाइफ ने रील देखा था तो वो हिसाब से कुछ खाया नहीं, रेस्टोरेंट में बैठे पैसे उड़ा के आए। लखनऊ भी ठंडे कबाब नहीं भाई, वो तो अच्छा है बहुत, महंगा भी पर अच्छा भी है। हम लोग मुगले के रेस्टोरेंट में बैठ के चाइनीज खा के तो अभी हम लोग लजीज जा रहे हैं, वहीं देखेंगे कुछ मिलेगा तो चबा के आएंगे। एक बार ऐसी हुआ था मैं घूमने लगा के, ठीक है, तो पुलिस का वो रहता ना दिसंबर वाला सीन है, सबको पकड़ने का एक साथ, तो मतलब भर्ती रहती है, नाम पता सब डाल के जाने का, तो मेरे आगे सबको रोका, तो जैसे मेरा घोटलो देखा ना, मेरे को रुका ही नहीं जाने का, कुछ बोला ही नहीं, कैप्चर हो जाता है, तो मेरे को भगाया अकेला, बाकी फिर देख रहा है फायदा। मेरे उसके पास उसकी कार में भी उस दिन IIT पवई से जा रहा था, डैश कैम लगा हुआ था, एक कार वाला उसको बाइक वाला ओवरटेक करने के चक्कर में था, तो उससे जैसे उसको ओवरटेक किया ना, ये चुपचाप चल रहा था, तो पीछे से कोई कार वाले ने शायद उसको टिचकी दिया और गिर गया। अच्छा। गिर गया तो इससे लड़ने के लिए आया वो, तो उसने उसको सीधा बोला बेटा डैश कैम लगा हुआ है देख ले, तो उसने ऐसा देखा चुपचाप बाइक बिठाया चले गए। तो अभी हम लोग गोरेगांव पहुँचे और यहाँ से अभी कितना दूर है, दस मिनट और आराम आराम से चला रहे, कोई भाई नहीं है, भाई ने अभी इससे पहले जो ब्लॉक किया पूरा स्टोर में कर दिया, पता नहीं भाई मैंने बस आज उसको मैं ब्लॉक सिखा रहा हूँ, बस मैं तो पहले हाथ पे पकड़ना सीख रहा हूँ बस, काम भाई बच्चे तो पकड़ा टाइम पकड़ा। तो हम लोग आ गए लजीज और ये रहा लजीज खाना, पहले ये तो खा लो, तो एक और मंगा लेंगे इसके बाद मैदा रोटी। तो और एक सीख आई है अपनी, कितना भाई है, कितनी तीसरा राउंड सीख का, और ये हमने मंगाया कुछ टिक्का मंगाया है, बड़ा एकदम सॉफ्ट सॉफ्ट पर रोटी का खाने लायक नहीं है, डायरेक्ट खाना चाहिए, इसका बड़ा पंगा हो गया, जैसा सोचा था वैसा टेस्ट नहीं, इसका बहुत ज़्यादा ऑयली है, देखो नहीं पसंद आना ज़रा भी नहीं, तंदूरी और ये बेस्ट कॉम्बिनेशन, उसमें और कुछ नहीं है, इसका कोई गलत जगह खड़ा रहेगा, गलत सवाल पूछे, पेट कैसे अंदर करने का, इसमें कोई साइंस नहीं है भाई, अपने ब्याह वाले लोगों के जिस आउट ऑफ सिलेबस है, कम खाओ पियो ज्यादा, मतलब पानी पानी पीते रहो जितना हो सकता है, आपको ज्यादा टाइम तक फुल रखेगा, मतलब आपको भूख कम लगेगी, आप ये सब चीजें खाओगे ना तो इससे आपको और भाई न्यूट्रिशनिस्ट है वो है, साइंस सर्टिफाइड है वो भी, ये सर्टिफाइड न्यूट्रिशनिस्ट है भाई सच्ची में, और बॉडी बिल्डर भी है। तो भाई ने लिए एज यूजुअल मालपुआ सिंगल अंडा, मेरे को लेना है शाही टुकड़े, बहुत दिन हो गए शाही टुकड़े नहीं खाया, मैं मालपुआ नहीं खाने वाला, शाही टुकड़ा कि रात को भी हॉर्न मार रहे हैं यार, कोई ब्लॉक करने देता ही नहीं, हॉर्न मारते वो बड़ा फटेला साइलेंसर लगा के जाएंगे, कुछ ना कुछ करेंगे, गलत जगह खड़े रहे तुम ब्लॉक कर रहे हो, खासियत, अरे भाई मैं कहाँ कहाँ नहीं किया उन लोगों को पता है, ये खासियत है, बट मैं बोल रहा था कि हाँ मेरे को खाने का शाही टुकड़े जो कि मैं आधे टाइम पे लूँगा, क्योंकि उसको लेके जाके सीधा फ्रिज में रखने का सही टाइम खाएंगे, अभी जा रहे हैं हम लोग, यस, और अभी हम लोग जा रहे हैं बाबा फालूदा, क्योंकि दीप्ति के रह गया था खाने मिला नहीं था, और अपनी आगे स्कूटर 6 महीने बाद धुली है, 6 महीने लिटरली 6 महीने 7 महीने बाद सर्विस हुई है, 7 महीने बाद धुली, 6 महीने बाद धुली है, लो भाई आ गए बाबा फालूदा, हाँ क्या रौनक है, ये मेरे पीछे ये जो आपको दिख रहा है यहाँ पहले ना भैंस का तबेला हो गया, बहुत बड़ा जोगेश्वरी है,
वो तबेला तो रहा नहीं, यहाँ बन गया टर्फ। अरे भाई जब देखो फूल रहे थे। साहब कौन सा लेंगे तुम? वो साहब कौन सा वाला? मेरे को कोई आइडिया नहीं है। मैं हाँ 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 एक नंबर है ना। अच्छा लगा, मस्त है। देखो बच्चे ने गिरा दिया, देखो ले बच्चे, खाओ खाओ। जो आवाज़ आ रही है वो यहाँ से आ रही है। झगड़ा चालू है, घरेलू झगड़ा। ओके अच्छा तेरा अभी टेस्ट रहा नहीं, तो बहुत ज़्यादा स्वीट खा चुका ऑलरेडी। नहीं स्वीट खाने की बात नहीं, बट मैं वैसे भी कोई फैन नहीं हूँ वैसे। अच्छा कुछ तो हम लोग को 80% ऑफ वाला कुछ तो दिख गया, तो हम लोग जा रहे देखने। ओह माय गॉड, जूते होते भाई पीला वीला के जूते अभी बस। हाँ जूते सेल, शूज फ्लैट 800। तो ये है वो जगह यहाँ पे अंदर से मिल रहा है। अरे बाजू में छोटा सा टर्फ है, टर्फ। ए भाई ट्रैक पैंट मिल जाएगी अच्छी, कैसे देखते अच्छी है। जो हिसाब से आपने पटका है हाथ लग नहीं रहा। मज़ा नहीं आया, ज़रा भी नहीं आया। कैसा लगा कलेक्शन? कलेक्शन मेरी ज़िंदगी का सबसे बेकार कलेक्शन मेरी का। मैं घुसा हूँ, दो मिनट के अंदर मैं बाहर था। इतना वाहियात मतलब कुछ था ही नहीं भाई। बाहर फीला वीला लिखा है, अंदर लीक ऊपर वो सब मिल रहा है, जो फ्लिपकार्ट अमेजोन पे जो एकदम बोलते हैं ना चिंदी के भाव में मिलते हैं। चिंदी के भाव वाला भी नहीं था भाई, वो तो देख के भी ऐसा फील। नो नो, फिर इनकी भाषा में बोलना था डैडी नो। तो अभी हमारे सारे मसले मसाइल ख़त्म हो चुके, अभी हम लोग निकल रहे घर को, रवाना हो रहे। और शाही टुकड़ा लो नहीं लो अभी भी डाइसी है। नहीं फालूदा खाने के बाद कुछ महसूस नहीं हो रहा पेट में, पेट बोल रहा है बस। बाजार में जो होगा देखेंगे। अभी जिस लेवल की कंडीशनिंग, जो वेंस पॉप आउट हो रही है, जो श्रेडनेस आ रही है। बाप रे बाप। नहीं मैं कोई डाइट फॉलो नहीं कर रहा, जो वेंस दिख रहे हैं आपको ये फिर लेग्स पे मेरे कॉर्ड्स पे देख सकते हो पूरे वेंस। ये बस इसलिए है कि मुझे कल रात से लूज मोशन हो रहा है और वॉमिटिंग, पेट में इन्फेक्शन हो गया। ओहो फ्रिक, फुल ड्राई हो गए। अब ये जो वीडियो है ये 2 दिन बाद का है। घर पे रेन दी थी, सब लोग थे, सब कुछ ठीक चल रहा था। उसके बाद में दोनों को मैं छोड़ कर आया और फिर मैंने चाइनीज़ लिया रास्ते से। रास्ते में बीच में मैंने रुककर चाइनीज़ ले ली, मैंने खाया और जो बाकी का था मैंने वो सोचा सैरी में खा लूँगा। और उसको मैं ऐसे ही फ्रिज में रखना भूल गया और मैंने बाहर ही रख दिया और थैली में ही उसको बांध के वैसे ही रख दिया, तो वहीं पे गड़बड़ हो गई। कभी भी गलती नहीं करना, गरम गरम जो चाइनीज़ या कुछ भी खाना लाओ आप, उसको उसी थैली में ही बांध के नहीं रखना, खोल के अच्छे से बाउल में या प्लेट में रख के फ्रिज में रख दो, अगर नहीं खाना है तो बाद में खा लेना। बस यही करने की वजह से शायद पानी पकड़ लिया उसमें या तो कुछ हो गया, आई डोंट नो क्या हुआ। मैंने सैरी में खा लिया और उसके बाद से जो पेट दर्द हुआ है, जो वॉमिटिंग में वॉमिटिंग मुझे हुई है और जो लूज मोशन हुए भाई, 20 से 25 बार अब तक जा चुका हूँ। फाइनली मैंने शाम में दवाई लेके आई और जैसे तैसे ठीक लगा, क्योंकि घर में कुछ भी नहीं था खाने के लिए और फ्रूट्स भी नहीं थे, तो फ्रूट्स लाने के लिए भी मुझ में ताकत नहीं थी, इतना हालत ख़राब हो चुका था। और मेरा एक रोज़ा भी टूट गया इस चक्कर में। अभी भी आई एम नॉट फाइन, आई एम स्टिल स्ट्रगलिंग। अभी भी है, इन्फेक्शन है पेट में, तो होप सो बस उठ जाओ तो सैरी के लिए, तभी समझ में आएगा कि क्या करना है, रखना है नहीं रखना है। बिकॉज इतना बुरा डिहाइड्रेट हो चुका हूँ कि पूरी बोलते ना पूरा सूखे काटा हो चुका हूँ, पूरा सूखे काटा हो चुका और चलने की भी हिम्मत नहीं थी। देख सकते हो पूरा वेंस पूरा पॉप आउट हो गया हर जगह से, इतना ड्राई हो चुका हूँ कुछ नहीं करके भी। तभी कल सुबह ही पता चलेगा क्या है सीन, क्योंकि ऐसे ना हो कि ज़बरदस्ती ये भी रोज़ा रखने के चक्कर में और मैं ठीक नहीं हुआ और वापस से उल्टी होना चालू हो गया, क्योंकि वॉमिटिंग अब तक हो रहा था मुझे, बस अभी थोड़ी देर पहले ही रुका है। सुबह कल वापस ना हो जाए और फिर से एक और रोज़ा टूट जाए, और जब ठीक लगेगा तो ये वीडियो मैं एडिट करके डालूंगा। अभी फिलहाल पेट में बहुत जोर की गुड़गुड़ हो रहा है, जाना पड़ेगा पुनः आ गया।